विषयों की शुरुआत करेंगे, मार्केट के अपडेट के को बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले आज भारत ने इतिहास रचा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का दूसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इस तरह से इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से बड़ी छलांग लगाई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 को दोपहर 2:43 पर देश के सबसे ताकतवर बहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 2 की 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान 22 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 13 अगस्त से 19 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में यात्रा करेगा। 19 अगस्त को ही ये चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद 13 दिन यानी कि 31 अगस्त तक वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंड ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ यात्रा शुरू होगी। 5 दिन की यात्रा के बाद 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर अलग अलग तरह के प्रयोग करने के लिए उतरेगा। इससे पहले चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इसे रोक दिया गया था। तो एक बार फिर इसरो ने इतिहास रचा है। इट्स पॉसिबल और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी हार्ड वर्क बाय द टीम इसरो, एस्पेशली इंजीनियर्स, technical assistant, technicians, supporting staff of SDSC, VSSC, LPSC and IPRC. And it is my duty to salute all the people who have done the work, make it happen successfully. Now, regarding this vehicle, also it's a special for this mission. In this mission, GSLV Mark 3 performance has been increased by 15% more than the earlier mission. Thereby, now the Mark 3 is approached 4-ton capability to GTO as we designed. This is actually 3 satellite missions stacked in a single launch vehicle mission, wherein 2 systems are not known to us. First time we have developed, that is Lander Vikram and Rover Pragyan. As per the suggestion given by the National Committee, almost reworked the entire spacecraft last 1.5 years, and they worked without any gap. They made it and brought to the launch. My best compliments and congratulations for the satellite team for bringing the Chandrayaan 2 to the launch pad at the earliest. They are going to have do the 15 very crucial maneuvers in next 1.5 months, and finally bringing the Chandrayaan 2 around the moon to place. After that, the D-Day will come, and that day we are going to experience 15 minutes terror to ensure the landing is safely near South Pole. And to carry out the project of this magnitude, definitely the credit must go to the team ISRO. तो चंद्रयान 2 भारत का दूसरा मून मिशन है। पहली बार भारत चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर उतारेगा। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह, वातावरण, रेडिएशन और टेम्परेचर का अध्ययन करेगा। इससे तैयार करने में करीब 11 साल लग गए हैं। आखिर पूरी तरह स्वदेशी चंद्रयान 2 मिशन किस लिहाज से अहम है, देखिए इस रिपोर्ट में। चांद पर लैंड कर भारत की बढ़ेगी ताकत। चांद पर उतरने वाला चौथा देश होगा भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान।
22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 पर GSLV MK-3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लेकर चांद की ओर बढ़ेगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड करेगा। इसके साथ ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन अपने यानों को चांद की सतह पर भेज चुके हैं। अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यान नहीं उतारा है। साथ ही ये पहला ऐसा अंतरग्रही मिशन होगा जिसकी कमान दो महिलाओं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनीता और मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधाल के पास है। ये मिशन पूरी तरह स्वदेशी है जिसे इसरो ने तैयार किया है। जो अंतरिक्ष यान धरती से छोड़ा जाएगा उसके दो हिस्से, पहला लॉन्च व्हीकल GSLV MK-3 रॉकेट और दूसरा चंद्रयान 2। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 सितंबर में चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। चंद्रयान 2 को ले जाने वाले प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पर अंतिम जांच चल रही है। उड़ान से पहले सभी उपकरणों की जांच की जा चुकी है ताकि 15 जुलाई की तरह इस बार लॉन्चिंग में कोई दिक्कत ना आए। लॉन्च करने के लिए इसरो के पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। इसे 22 जुलाई दोपहर 2:43 पर रवाना किया जाएगा। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं। GSLV मार्क 3 चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और लैंडर को धरती के कक्षा में स्थापित करेगा, जिसके बाद उसे चांद की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 के पहुंचने के बाद लैंडर निकलकर चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उससे निकलेगा और चहलकदमी करते हुए अलग अलग प्रयोगों को अंजाम देगा। इसरो को उम्मीद है कि भारत का चंद्रयान सितंबर में चांद पर कदम रखेगा। भारत के पहले चंद्रयान के साथ रोवर और लैंडर नहीं थे, इस बार इनको भी मिशन का हिस्सा बनाया गया है। इसरो ने चंद्रयान 2 को पहले 2017 में और फिर 2018 में लॉन्च करने का ऐलान किया था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने हाल में कहा था कि इसरो अब इसे जल्द ही लॉन्च करने का हर संभव कोशिश करेगा। लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल में उतारने के लिए दो जगहों को चुना गया है। इनमें से एक स्थान को जल्द फाइनल किया जाएगा। इनमें से किसी भी जगह पर और किसी देश का लैंडर नहीं उतरा है। इसरो के मुताबिक साउथ पोल की जमीन सॉफ्ट है और रोवर को मूव करने में यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। रोवर में 6 पहिए हैं और उसका वजन 20 किलो है। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 में क्या होगा खास। चंद्रयान 2 का वजन 3290 किलो होगा। इसका ऑर्बिटर लैंडर से अलग हो जाएगा। लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, फिर रोवर उससे अलग हो जाएगा। ऑर्बिटर कई संवेदनशील उपकरणों, कैमरों और सेंसर से लैस होगा। रोवर भी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। ये दोनों मिलकर चंद्रमा की सतह पर मिलने वाले मिनरल्स और अन्य पदार्थों के बारे में डेटा भेजेंगे। इसरो इस पर स्टडी करेगा। रोवर को सोलर पावर उपकरणों से भी लैस किया गया है। पृथ्वी से रोवर की दूरी का सटीक पता लगाने में आसानी होगी। 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ईंधन की कमी की वजह से यह मिशन 29 अगस्त 2009 को ही खत्म हो गया था। इसरो ने इस मिशन की अवधि 2 साल रहने का अंदाजा लगाया था। इस मिशन पर 603 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चांद पर चंद्रयान 52 दिन बिताएगा। इसका वजन 3800 किलो होगा। तो अब कुछ समय ही बाकी है जब भारत चांद के धरातल पर GSLV MK-3 चंद्रयान को उतारेगा और इसके उतरते ही अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का एक अलग मुकाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आज चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग हो गई है और भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मार्केट अपडेट की। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स 305 अंकों की गिरावट के साथ 38031 के करीब बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 82 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग 11337 के स्तर पर दी है। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर
की अगर बात करें तो बजाज फिनसर्व में आज बिकवाली हावी थी। वहीं HDFC के शेयर में भी आज मुनाफा वसूली हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें इसमें भी आज निवेशकों ने पैसा निकाला है। HDFC बैंक में भी के साथ साथ आयशर मोटर्स के साथ दूसरी कंपनियों के शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। कंज्यूमर गुड, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली, जबकि ऑयल एंड गैस, मेटल और एनर्जी शेयरों ने आज बाजार को काफी सपोर्ट किया है। सेंसेक्स 305 और निफ्टी 82 अंक गिरकर बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस, मेटल और एनर्जी शेयरों में आज खरीदारी थी। इस गिरावट के बावजूद भी ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज चढ़कर बंद हुए हैं। तो ये मार्केट का पूरा अपडेट हो गया, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इकोनॉमी एंड यू। तो चलिए शो को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। सबसे पहले बताते हैं UBS ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है रिलायंस पर, उस पर क्या कहना है। UBS ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है रिलायंस के नतीजे आने के बाद उस पर उसमें खरीदारी की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1,500 रुपये के तय किए हैं। तो UBS बुलिश है शेयर को लेकर। ऐसे में 1,500 रुपये के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के सेशन में अगर शेयर की बात की जाए तो बढ़त के साथ कामकाज हुआ है। 2% की तेजी के साथ 1280 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। कंपनी ने अपने नतीजे भी पेश किए हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल UBS ने खरीदारी की सलाह दी है। आगे बढ़ेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने HDFC के शेयर पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। गोल्डमैन ने HDFC पर खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य जो दिए गए हैं 2879 के दिए गए हैं। तो HDFC बैंक के शेयर में करीब 3% की कमी आई है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म्स अभी भी इस शेयर को लेकर बुलिश हैं और ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि अगले एक साल में HDFC बैंक के शेयर में 14-16% की बढ़त आ सकती है। ऐसे में चिंता की वजह सिर्फ लोन ग्रोथ है। तो खरीदारी की सलाह होगी HDFC के शेयर को लेकर। 2879 के लेवल्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। UBS ने इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन पर भी एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन पर UBS ने खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य को 2,000 रुपये के तय किए हैं। तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर। ऐसे में इस शेयर पर आप नजर रख के चल सकते हैं। आज के सेशन में अगर इंडिगो के शेयर की बात की जाए तो बढ़त के साथ कामकाज हुआ था। करीब करीब 4% की बढ़त के साथ 1518 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। जेफरीज की अगर बात करें तो इसने डाबर पर अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। नतीजे आने के बाद जेफरीज ने डाबर पर खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 460 रुपीज से टारगेट्स को बढ़ाकर 480 रुपये के नए टारगेट्स आपको दिए हैं। तो ऐसे में इस शेयर पर भी आप दाव लगाकर चल सकते हैं 480 रुपये के नए टारगेट्स के लिए। आज के सेशन में अगर बात की जाए तो मामूली बढ़त डाबर के शेयर में देखने को मिली। 0.04% की तेजी के साथ 421 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। सिटी की अगर रिपोर्ट की बात की जाए, सिटी ने भी डाबर के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें इस पर भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लक्ष्य को बढ़ाया है। 455 रुपये से लेकर 485 रुपये के नए टारगेट्स आपको दिए गए हैं। तो ऐसे में इस शेयर पर आप नजर रख के चल सकते हैं। 485 रुपये के नए टारगेट्स आपको दिए गए हैं। बढ़त के साथ कामकाज किया है आज डाबर के शेयर ने। तो चलिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट की बात हो गई है, लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज़ में क्या कुछ खास है वो भी आपको बता देते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आज फोकस में रहे हैं। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के बारे में सबसे पहले, क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। ऐसे में वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जो नतीजे आए हैं उनमें जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 10,362 करोड़ से घट गया है और 10,104 करोड़ रहा है। हालांकि बाज़ार को जो मुनाफे की उम्मीद थी वो 9,662 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद कर रहा था बाज़ार, लेकिन पहली तिमाही में जो मुनाफा आया है वो घटकर सामने आया है। पहली तिमाही में कंपनी का की जो कंसो आय है, कंसोलिडेटेड आय है, वो 1.38 लाख करोड़ से बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रही है। एबिटा की बात करें तो कंसोलिडेटेड एबिटा 20,832 करोड़ से बढ़कर 21,315 करोड़ रहा है। मार्जिन पर भी झटका लगा है। मार्जिन के मोर्चे पर रिलायंस को काफी बड़ा झटका लगा है। कंसोलिडेटेड मार्जिन की अगर बात करें तो 15% से घटकर ये 13.3% रह चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पहली तिमाही में जीआरएम मार्जिन की हम बात कर रहे हैं,
ये भी घटकर ही सामने आया है। 8.2 डॉलर से ये घटकर 8.10 डॉलर रह गया है। अन्य आय की अगर बात करें तो 3147 करोड़ के मुकाबले जो अन्य आय रही है वो 3146 करोड़ की रही है। ये हमने आपको बताए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओवरऑल नतीजे, लेकिन अगर कंपनी बाय कंपनी इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उस पर नजर डालें और उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो रिलायंस जियो को जो मुनाफा हुआ है वो 840 करोड़ से बढ़कर 891 करोड़ रुपए का हुआ है। तो पहली तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा बढ़ चुका है, 840 करोड़ से 891 करोड़ रुपए हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर जियो की आय की बात करें तो 11106 करोड़ से ये बढ़कर 11680 करोड़ रही है। वहीं जियो के एबिटा की अगर बात करें तो 4329 करोड़ से एबिटा बढ़कर 4686 करोड़ रुपए पर आ चुका है। एबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो 39 से बढ़कर ये 40.1% रहे हैं। जियो का जो ARPU है वो घटकर सामने आया है, 126.2 रुपए से बढ़कर ये 122 रुपीस रहा है। ऑयल एंड गैस कारोबार की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस आय जो हम आपको बता रहे हैं वो घटकर सामने आई है, 1069 करोड़ से घटकर ऑयल एंड गैस की आय 923 करोड़ हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि तिमाही दर तिमाही आधार पर हम आपको ये कंपनी के नंबर्स बता रहे हैं। ऑयल एंड गैस का जो एबिटा मार्जिन है वो भी उसमें भी कम वो बढ़कर सामने आया है, 24.97% के मुकाबले 27% रहा है। रिफाइनिंग कारोबार पर अगर नजर डालें तो रिफाइनिंग कारोबार की जो आय है वो बढ़कर सामने आई है, 87844 करोड़ से रिफाइनिंग आय बढ़कर 1.01 लाख करोड़ हो गई है। रिफाइनिंग एबिट की अगर बात करें तो 4176 करोड़ से एबिट बढ़कर 4508 करोड़ रुपए के रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि एबिट मार्जिन घटते हैं, 4.75% से घटकर 4.43% हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जबकि पेटकेम कारोबार में आय जो सामने आई है वो 42414 करोड़ से घटकर 37611 करोड़ की हो गई है। पेटकेम एबिट की अगर बात करें तो एबिट पे भी दबाव देखने को मिला है, 7975 करोड़ से एबिट घटकर 7508 करोड़ के हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिट मार्जिन की अगर बात करें तो 18.8% से ये बढ़कर 20% हो गए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नतीजे आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उस पर भी इंडिविजुअली हम नजर डाल रहे हैं। रिटेल कारोबार की अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो 36663 करोड़ से बढ़कर रिटेल आय 38196 करोड़ की हो गई है, जबकि एबिट भी बढ़ा कर ही सामने आया है रिटेल कारोबार का, 1721 करोड़ से ये बढ़कर 1777 करोड़ का हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जबकि एबिट मार्जिन जो है वो 4.69% पर बरकरार है। डिजिटल कारोबार की अगर बात करें तो डिजिटल कारोबार में जो आय हुई है वो 13609 करोड़ से बढ़कर 14910 करोड़ की हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, यानी तिमाही दर तिमाही आधार पर। जबकि डिजिटल कारोबार में जो एबिट है वो 2665 करोड़ से बढ़कर 3080 करोड़ का हुआ है। शेयर में आज जैसा कि हमने बताया बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, 2.25% की तेजी के साथ 1280 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो रिलायंस के जो नंबर्स आए हैं उससे बाजार को जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो उतने नंबर्स तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुनाफा की स्पेशली हम बात कर रहे हैं उतने अच्छा मुनाफा नहीं रहा है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स की अगर बात करें तो कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है पहली तिमाही में FY20 की। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ें तो बायोकॉन की भी बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है बायोकॉन और 12.6 लाख शेयरों में ब्लॉक डील हुई है। हालांकि इसके खरीदने और बेचने वालों की अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं पाई है, लेकिन अपडेट यही है कि बड़ी ब्लॉक डील हुई है 12.6 लाख शेयरों की। और आज के सेशन में पॉजिटिव न्यूज का पूरे शेयर पर असर देखने को मिला, 2.5% की बढ़त के साथ 246.50 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। बॉश को लेकर भी आज अच्छी खबर है, कंपनी मांग में कमी की वजह से गंगाई कोंडा प्लांट को 23 से 27 जुलाई तक बंद कर सकती है। तो तमिलनाडु में है ये गंगाई कोंडा प्लांट और ये 23 से 27 जुलाई तक बंद रहेगा।
गोश्त के शेयर की अगर बात करें तो बढ़त के साथ कामकाज हुआ है, मामूली बढ़त लेकर 0.14% की तेजी के साथ ये शेयर 15,187 के लेवल्स पर बंद हुआ है। तो ये तमाम ऐसे शेयर्स थे जो आज फोकस में रहे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो कुछ और शेयर पर नजर डालेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। चलिए कुछ और स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर खबर डालते हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी आज इन न्यूज़ था। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर जो खबर आई है वो ये है कि कंपनी अमेरिका में न्यूरोलॉजी दवा के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकार बेच रही है। ये अधिकार 490 करोड़ रुपए में बेचे जा रहे हैं। इसमें बिक्री के तुरंत बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ जाएगा। तो अमेरिका में न्यूरोलॉजी दवा के लिए क्षेत्रीय अधिकार कंपनी बेचने पर विचार कर रही है। 490 करोड़ में ये क्षेत्रीय अधिकार बेचे जाएंगे। ऐसे में डॉक्टर रेड्डीज के शेयर की अगर बात करें तो बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, 0.69% की तेजी और 2630 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। वहीं सिप्ला एक और ऐसी कंपनी है जो आज फोकस में रही। USFDA ने बेंगलुरु इकाई को लेकर 7 आपत्तियाँ जारी की हैं। नेगेटिव न्यूज़ है और जो सिप्ला का शेयर है वो आज करीब करीब दबाव में बंद हुआ है। 0.23% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली एक नेगेटिव न्यूज के बाद और 530 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। स्ट्राइड्स फार्मा की अगर बात करें, स्ट्राइड्स शासन के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है और इसको लेकर भी खबर है। बेंगलुरु की फॉर्मुलेशन इकाई की जाँच में VAI यानी कि वॉलंट्री एक्शन इंडिकेटेड मिला है। USFDA की जो जाँच है वो 24 मई को खत्म हो गई थी। तो VAI यानी कि वॉलंट्री एक्शन इंडिकेटेड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि USFDA को ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट तो मिले हैं लेकिन FDA अभी किसी तरह का कोई एक्शन कंपनी पर नहीं लेगा। तो USFDA ने बेंगलुरु की फॉर्मुलेशन इकाई की जांच पूरी कर ली है और इसके बाद जो शेयर है एक नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी शेयर पर किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, जबकि 0.68% की तेज़ी के साथ 350 के लेवल्स पर शेयर बंद हुआ है। BHEL की बात करें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी आज फोकस में रहा। न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन से 486 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर है वो तमिलनाडु में रिएक्टर से जुड़े काम के लिए कंपनी को मिला है। तो न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन से 486 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है तमिलनाडु में रिएक्टर से जुड़े काम के लिए, ये बड़ा ऑर्डर मिला है। आज एक पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट शेयर पर साफ देखने को मिला, 0.71% की तेजी के साथ 64.05 रुपीज़ पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। CG पावर की अगर बात करें तो ये भी इसमें भी आज खबर है। CG पावर को सऊदी अरब से विंड फर्म के लिए 57 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। 57 करोड़ रुपए का सऊदी अरब से ऑर्डर मिला है और इस शेयर की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के बाद भी, एक पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी शेयर में नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिला, 0.18% की गिरावट के साथ 21.65 रुपए पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ये भी आज फोकस में रहा। DHFL पर 80,000 करोड़ रुपए का लोन है, इसे रिस्ट्रक्चर करने की बात है। कर्ज चुकाने के लिए इसे अतिरिक्त समय मिल चुका है, इस तरह इस कंपनी के लिए ये पॉजिटिव खबर है। तो आज के सेशन में अगर DHFL के शेयर की बात की जाए तो पॉजिटिव खबर का पूरा इम्पैक्ट इस पे देखने को मिला, 1.41% की तेजी के साथ 52.60 रुपए पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। अवंती फीड्स एक और ऐसी कंपनी जो आज जिसमें हलचल देखने को मिली, खबर ये है कि पहली तिमाही के जो नतीजे हैं वो बेहतर रहे हैं और इसी के चलते शेयर में 11% की तेजी आई है। जून तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर सामने आया है, 92.96 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 85.67 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। आज के सेशन में 11% की तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है 335 रुपए पर। तो 11% की तेजी इंट्राडे में इस शेयर में देखने को मिली है, लेकिन क्लोजिंग आते आते थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और 7% की बढ़त लेकर 335 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो आज फोकस में रहे, लेकिन बाजार में आज कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो चढ़े और गिरे हैं उस पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स की। यस बैंक बीते कुछ सत्रों से शेयर में तेज़ी का रुख बना हुआ है और वो आज भी कायम रहा।
9.49% की तेजी के साथ 91.15 रुपए पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। वेदांता मेटल स्टॉक्स में आज वैसे भी तेजी थी और इसी का एक पार्टिसिपेट बना वेदांता, 4% की बढ़त के साथ 167 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। हिंडाल्को एक और ऐसी कंपनी है जो मेटल स्पेस से है, 3.42% की तेजी के साथ 202 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस NBFC स्पेस की कंपनी है, 3% की बढ़त के साथ 665 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यस बैंक, वेदांता, हिंडाल्को, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज खरीदारी देखने को मिली। तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, निफ्टी में कौन से ऐसे शेयर हैं जो चढ़े हैं वो तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने गिरावट दर्ज कराई है निफ्टी में, उस पर भी एक नज़र डालिए। बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हैं, इसमें आज 5.5% की गिरावट के साथ कामकाज हुआ है, 7,144 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। HDFC की बात करें तो आज दबाव भरा सत्र रहा, इसके लिए भी 5% की गिरावट के साथ 2,182 के लेवल्स पर शेयर बंद हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज बिकवाली हावी रही, 3.60% की गिरावट, 1,444 के लेवल्स पर क्लोजिंग। आयशा मोटर्स ऑटो स्पेस की कंपनी है, इसमें भी आज दबाव के साथ कारोबार हुआ है, 3.5% की गिरावट के साथ 17,049 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। HDFC समूह की जो कंपनी है, HDFC और HDFC बैंक दोनों में ही आज बिकवाली हावी रही, 3% की गिरावट HDFC बैंक में भी देखने को मिली, 2,302 के लेवल्स पर HDFC बैंक ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में गिरने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर, आयशा मोटर्स, HDFC बैंक, HDFC और बजाज फिनसर्व। तो चलिए, निफ्टी में गिरने और चढ़ने वाले शेयर्स की हमने बात कर ली है, लेकिन सेंसेक्स में कौन से शेयर्स चढ़े हैं उस पर भी एक नज़र डालते हैं। निफ्टी में यस बैंक चढ़ा था, साथ ही साथ सेंसेक्स में भी इसमें अच्छा मूव देखने को मिला, करीब करीब 10% की बढ़त के साथ 91.15 रुपए पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है सेंसेक्स में। डिश टीवी में भी आज के सेशन में अच्छी बाइंग हुई है, करीब करीब 7% की बढ़त के साथ 33.75 रुपए पर यह शेयर बंद हुआ है। अवंती फीड्स की भी बात कर ली है हमने, खबर भी आपको बता दी थी, अच्छे नतीजों के बाद शेयर में अच्छा मूव देखने को मिला, बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, 6.45% की तेजी के साथ 334 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी है सन फार्मा, इसमें भी आज खरीदारी देखने को मिली, 5.5% की बढ़त, 159 पर क्लोजिंग। कावेरी सीड्स एग्री स्पेस की कंपनी है, इसमें भी आज बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, 5.5% चढ़कर 446 के लेवल्स पर शेयर बंद हुआ है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज सेंसेक्स में चढ़े हैं, सन फार्मा, कावेरी सीड्स, यस बैंक। तो चलिए, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो सेंसेक्स में गिरे हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। LNT लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो आज वीकनेस देखने को मिली, 7.81% की गिरावट के साथ और 1,480 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। जस्ट डायल, इसमें भी आज बिकवाली हावी रही, 7.33% की गिरावट के साथ 726 के लेवल्स पर शेयर बंद हुआ है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसमें भी आज दबाव के साथ कारोबार हुआ है, करीब करीब 7% की गिरावट, 103 के लेवल्स पर क्लोजिंग। वीमार्ट रिटेल स्पेस की कंपनी है, ये भी आज दबाव में ही कारोबार करता दिखाई दिया, 6.46% की गिरावट के साथ 1900 के लेवल्स पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें भी आज मुनाफा वसूली हुई है, 6.31% की गिरावट, 268 के लेवल्स पर क्लोजिंग। तो सेंसेक्स में गिरने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर, वी मार्ट, मिंडा इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजीज। तो चलिए, बाजार की बात हो गई है, लेकिन बाजार पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं बृजेश सिंह, स्टॉक एक्सिस से टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आज की BTST कॉल्स क्या रहेंगी। बृजेश जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, BTST और STBT ट्रेड्स तो आपसे जानेंगे, लेकिन पहले आपका व्यू मार्केट्स पर। देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो नो डाउट आज जो स्विंग मार्केट का मूव था वो सेंटिमेंट बाइंग साइड से खराब थी, वो HDFC और बजाज थे, दोनों ही स्टॉक मतलब 3% और 5% के नीचे ट्रेड हुए। नो डाउट रिलायंस का ट्रेंड भी डाउन में लगभग 1305 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। आज के सिलसिले में लगभग की अगर की बात करें तो लगभग 1225 और 1227
लो मार के आज वो 1278 से बंद हो गई है। ब्रजेश जी आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे भी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहे, वो हमने आपको बताया है, और ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं। तो ब्रजेश जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं और उसके बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है ओवरऑल। लेकिन आज बाजार की बात की जाए तो दबाव के साथ कारोबार हुआ है आज शेयर बाजार में, 305 अंक गिरकर सेंसेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है, जबकि अगर निफ्टी की बात की जाए तो 82 अंक टूटकर बंद हुआ है निफ्टी। और अगर इंडिविजुअली स्टॉक्स की बात की जाए तो जस्ट डायल के शेयर में आज काफ़ी मुनाफा वसूली हुई है, 7.5% की गिरावट के साथ जस्ट डायल का शेयर बंद हुआ है 726 के लेवल्स पर, जबकि आज मेटल और ऑयल एंड गैस शेयर में ये दो ऐसे सेक्टर्स थे जो आज जिन्होंने बाजार को काफ़ी सपोर्ट किया है और बढ़त लेकर ये दोनों सेक्टर्स बंद हुए हैं। तो ब्रजेश सिंह से दोबारा संपर्क साधेंगे और बताएंगे कि कल के ट्रेड में कल के सेशन में आप कौन कौन से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रजेश सिंह से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, सर मार्केट्स पर आपका क्या व्यू ले रहे हैं? एक ट्रेंड डाउन है, आज जो पार्टी में बिगिन किया वो था एचडीएफसी ट्विंस फॉलोड बाय बजाज ट्विंस। इवन अगर हम देखेंगे तो पीएसयू में जो एसबीआई जो एक अपर ट्रेंड में चल रहा था वो उसमें भी आज बिकवाली देखने को मिली है। तो ओनली रिलीफ वैली जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की थी, नो डाउट रिलायंस का ट्रेंड अभी भी डाउन, जब तो 1305 के नीचे ट्रेड करेगा, रिजल्ट मिक्स बैग से मेरे हिसाब से 1225 के आसपास का सिंपल डे मूविंग एवरेज है, वहां से ही इसने बाउंस बैक लिया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर किसी का व्यू एक साल के ऊपर का है तो डेफिनेटली रिलायंस में ये भाव में और उससे अगर नीचे भी ज्यादा 1200 में एक निवेश जरूर करना चाहिए। एक साल के व्यू के हिसाब से टेक्निकली अगर मैं चार्ट को देखते हुए बोलूं तो लगभग 1500 के आसपास का निकलेगा। लेकिन अगर किसी का व्यू प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के लिहाज से अगर ट्रेड करना है तो आप ये मान के चलिए जब तक अगर रिलायंस 1305 के नीचे ट्रेड करेगा उसको एक बिकवाली मिलती रहेगी, या आप ये कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन एक रेंज हो जाएगा 1225 नीचे और ऊपर 1305 का। इंडियन स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेरे दो काउंटर हैं, तीन काउंटर बाई में एक सेल में, तो पहला जो बाई में है वो मेटल पैक में है जिंदल स्टील एंड पावर, लगभग 143 के आसपास में बंद हुआ है, मौजूदा स्तर पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। एक हाई लो फॉर्मेशन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है, 140 का हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और ऊपर का टारगेट हमारा 150 का है। ठीक है, तो जिंदल स्टील पर बुलिश हैं स्टॉक एक्सेस, ऐसे में खरीदारी करके चल सकते हैं, 150 के टारगेट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और कौन से सेक्टर से आपने बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स चुने हैं सर? बीटीएसटी है, जो दूसरा बाई कॉल है वो हिंडालको का रहेगा। लास्ट के अगर आपने हाफ एन आवर्स की अगर आप ट्रेडिंग देखें तो हिंडालको में लगभग 200 के आसपास ट्रेड करा था और एक अच्छा उछाल देखने को मिला है 205 का, लगभग 202 के आसपास में बंद हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि कल ये परफॉर्मेंस बाई साइड में देगा, 199 का हम स्ट्रिक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और इंट्राडे का टारगेट हमारा 208 का रहेगा। तीसरी बाई कॉल जो है हमारी वो आरईसी की है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है, लगभग 149 के आसपास में बंद हुआ है, 146 का हम स्ट्रिक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और इंट्राडे का टारगेट हमारा 155 का है। ठीक है, तो तीन बाई कॉल्स आपने दे दी है, इसके अलावा सेल साइड में कौन सा कॉल दे रहे हैं? एक लास्ट कॉल है अंशु जी, वो एक है, वो है जस्ट डायल का, इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ओआई डेल्टा देखने को मिला है, वो इंडिकेट करता है कि मोमेंटम डाउन ही रहेगा, लगभग 730 के आसपास में सेल करने की सलाह रहेगी, 745 का आप स्ट्रिक स्टॉप लॉस लीजिए, 710 का टारगेट है इनिशियली, अगर ये यहाँ पर 10 से 15 मिनट अगर ट्रेड करता है 710 के नीचे तो टारगेट और एक्सटेंड हो सकता है नीचे में लगभग 702। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो बहुत शुक्रिया ब्रिजेश ये तमाम कॉल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो एक क्विक रिकैप आपको दे देते हैं, 3 बाय कॉल्स आपको दी गई हैं जिसमें जिंदल स्टील एंड पावर पर खरीदारी की सलाह होगी 150 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के सेशन में अगर शेयर की बात की जाए तो अच्छा प्रदर्शन इस शेयर ने दिखाया है। आज मेटल और स्टॉक्स वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे, उनमें से एक पार्टिसिपेंट जिंदल स्टील भी बना और ऐसे में कल भी ये तेजी जारी रह सकती है, ऐसा स्टॉक एक्सिस का मानना है। तो 150 रुपये के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 140 रुपये का। हिंडालको की एक और ऐसी कंपनी है जो मेटल स्पेस से है, इसमें भी आपको खरीदारी की सलाह दी गई है स्टॉक एक्सिस की तरफ से। 208 और 210 दो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, 199 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। आज के सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली, 3.24% की बढ़त के साथ ये शेयर 202 के लेवल्स पर बंद हुआ है और स्टॉक एक्सिस का ऐसा मानना है कि ये तेजी कल भी कायम रह सकती है, ऐसे में इस शेयर पर आप दाव लगाकर चल सकते हैं। साथ ही साथ REC में भी बुलिश है स्टॉक एक्सिस, 155 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए, 146 का स्टॉप लॉस लगाइए। जस्ट डायल एक ऐसा काउंटर जिसमें बिकवाली की सलाह दी गई है, आज दबाव के साथ कारोबार हुआ है, 7.33% टूट कर ये शेयर आज बंद हुआ है, ऐसे में कल भी ये बिकवाली जारी रह सकती है स्टॉक एक्सिस का मानना है, और 710 रुपये का टारगेट और 745 का स्टॉप लॉस। तो ये तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज आप कल के सेशन में दाव लगा सकते हैं। तो चलिए बात मार्केट्स की हो गई है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको फोकस में रखने हैं कल के सेशन में, वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन खबरों में क्या कुछ खास है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जेट एयरवेज की बात करेंगे, कर्ज तले दबी ये जो प्राइवेट इंडियन एयरलाइन है जेट एयरवेज, इसके रिवाइवल की जो कोशिशें हैं वो पिछले 2 महीनों से जारी हैं लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। अब रिपोर्ट ये है कि एतिहाद एयरवेज और हिंदुजा ग्रुप नीलामी के लिए फिर एक बार बातचीत शुरू कर रहे हैं। ये दोनों ही ग्रुप पहले भी डील करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन दोनों के बीच किसी तरह की डील पक्की नहीं हुई। एक जो रिपोर्ट अब जो आई है वो ये है कि अब ये दोनों ही कंपनियां फिर से साथ में आ चुकी हैं ताकि जेट एयरवेज की नीलामी का रास्ता निकाला जा सके। दोनों कंपनियां क्रेडिटर्स के पैसे चुकाने के लिए फंडिंग और एयरलाइन को वापस शुरू करने के रास्ते ढूंढ रही हैं। बता दें कि मई महीने में एतिहाद ने इस संबंध में हिंदुजा ग्रुप से बात भी की थी। एतिहाद के पास एयरलाइन के 24% शेयर हैं, हालांकि दोनों कंपनियों के बीच कोई डील नहीं बन पाई थी लेकिन अब दोनों कंपनियों का जो प्लान है वो एयरलाइन की बिड के लिए जॉइंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने का है। एतिहाद एयरवेज का एक कंसोर्शियम और हिंदुजा ग्रुप नीलामी के लिए एक साथ सामने आ रखे हैं। इस रेस में टाटा ग्रुप, कतर एयरवेज, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और TPG कैपिटल के तहत कंसोर्शियम तैयार हुआ है। जेट एयरवेज ने कंपनी खरीदने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 3 अगस्त तय की है। नीलामी करने वालों को 14 अगस्त तक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 17 अप्रैल से अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित चल रही एयरलाइन इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 23 जुलाई को कंपनी के केस की सुनवाई भी करने वाला है। बता दें कि जेट एयरवेज पर 25,000 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं और कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आशीष छावचरिया के पास अब तक कंपनी के कर्मचारी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की ओर से 16,643 क्लेम आ चुके हैं। उन्होंने बैंकरप्सी कोर्ट में 20 सितंबर तक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने की डेडलाइन भी दी है। तो एतिहाद और हिंदुजा ग्रुप ने नीलामी में फिर से दिलचस्पी दिखाई है और जेट एयरवेज की रिवाइवल के लिए दोनों ही कंपनियां सामने आई हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो पूरा शेयर पर देखने को मिला, 4.73% की तेजी के साथ ये शेयर 45.40 रुपये पर बंद हुआ है। तो एक बार फिर से जेट एयरवेज के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है जिसमें एतिहाद और हिंदुजा ग्रुप ने नीलामी में दिलचस्पी जो दिखाई है उसका पूरा असर शेयर पर देखने को मिला, 4.73% की बढ़त के साथ ये 45.40 रुपये पर बंद हुआ है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन बात करेंगे मोदी सरकार को 50 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में मोदी सरकार ने अब तक क्या किया है और क्योंकि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो प्लान किया था वो ये किया था कि इस साल इस वित्त वर्ष में जो भारत है वो
3 करोड़ बिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है, 25 जुलाई को ये बैठक होनी है। इसमें जो खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि सरकार 50 दिन के जो कार्यकाल है उसमें काफ़ी सारे काम किए गए हैं। क्या हुए हैं देखिए इस रिपोर्ट में। देश में दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जोरदार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 50 दिनों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने पर जोर दे रही है। मोदी सरकार के नीति निर्माण से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पिछले 50 दिनों में सुधार के कई कदम उठाए हैं। हालांकि उन्होंने इन कदमों के बारे में जानकारी नहीं दी। यही नहीं, मोदी सरकार ये मानती है कि परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास एक रास्ता है। अधिकारियों की माने तो सरकार ने जम्मू कश्मीर बैंक से भ्रष्ट अधिकारियों की सफाई समेत कई विभागों से भ्रष्ट नौकरशाहों को हटाकर भ्रष्टाचार पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने की नीयत साफ कर दी है। तो ये भी आपको बता देते हैं कि मोदी सरकार के जो 50 दिन पूरे हुए हैं ऐसे में काफ़ी सारे फैसले लिए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपको ये खबर दोबारा हम दिखाएंगे जनतंत्र टीवी के माध्यम से, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी 25 जुलाई को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर फैसला सामने आ सकता है। बजट में भी ये मांग उठाई गई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का सरकार का मकसद रहेगा, और ऐसे में देखना ये होगा कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होनी है 25 जुलाई को उसमें क्या फैसला सामने आता है। बहरहाल इकोनॉमी एंड यू में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।